हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? हमें तो लगता है कि अच्छे हैं, और उससे भी अच्छा लगता है कि आप बेहद अच्छे हैं। तो चलिए चलते हैं। और आप सुन रहे हैं दीवान की इश्क की, और फरमाइशें और आजमाइशें चल रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने स्टोरी में। तो स्टोरी से पहले भाई, मुझे एक गाना याद आ रहा है, तो जो कि मैंने अभी अभी सुना है, जो कि अभी अभी सुना नहीं है, नया गाना नहीं है, पुराना है। कि क्या लाइन्स हैं? हाँ, ये लाइन है कि अरे यार, ये गाने इतने डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं, याद क्यों नहीं आते हैं? कुछ गाना ऐसा था कि तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। तो इसकी मीनिंग तो हम बाद में समझाएंगे। चलिए प्रीवियस पार्ट आपको बता देते हैं कि प्रीवियस पार्ट कैसा है। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा है कि हमारी जो अनंतिका होती है, काफ़ी गुस्से में होती है, और वो सिमरन से बात नहीं करती है। और सिमरन जो है, कहती है कि अच्छो बच्चू, देखती हूँ कैसे नहीं मानते हो। और चलिए, ये मनाने और मानने के चक्कर में क्या ही होता है, इनके ज़िंदगी में क्या तूफान मचता है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रीवियस पार्ट से। ये तो हो गया प्रीवियस पार्ट, मतलब कि समझ में नहीं आया ना प्रीवियस पार्ट आज का। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कि हमारी सिमरन अनंतिका को झूठ बोल के घर पे बुलाती हैं, और देन लाइट नहीं होती है, अंधेरा होता है। तो अनंतिका भी थोड़ा डर रही होती है, मगर वो सिमरन होती है, उनको अकेले कैसे छोड़ सकती है। भाई, हमारे आज के मजनू हैं, जियेंगे तो साथ, मरेंगे भी तो साथ। खैर, आगे बढ़ते हैं प्रीवियस पार्ट से। अब डिटेल में समझा दिया, अब आगे की कहानी समझ लेते हैं। तो ये जाती हैं और सोचती हैं, यार ये घर का लाइट भी ऑफ है, मैंने स्विच कहा ये भी नहीं पता। घर देखती हूँ, ये सिमरन कहाँ है। सिमरन को आवाज़ दे रही होती है अंतिका। सिमरन सिमरन आवाज़ लगाए जा रही होती है, सिमरन कहीं दिख नहीं रही होती है। तो मतलब लाइट के टॉर्च के सामने नहीं दिख रही होती है। तो जैसे ही वो टटोलते हुए कदम को बढ़ाते हुए वो सिमरन के कमरे की तरफ पहुंचती है, तो उनको एहसास होता है कि कोई उनका हाथ पकड़ के खींचा है, और बड़े झटके से खींचा है। तो उनका फ़ोन, मतलब क्या होता है कि उनके हाथ से छूट जाता है और गिर जाता है। देन वो जब कमरे के अंदर आती हैं, तो जो लाइट्स होती हैं वो सारी ऑफ होती हैं, फैन अचानक से चालू होता है और लाइट्स भी चालू होती हैं। तो सारी जो लाइट्स चालू होती हैं वो डिम लाइट होती हैं, और जो फिर साइड साइड में नज़र दौड़ाती हैं तो कैंडल से पूरा कमरा सजा हुआ होता है, रोज़ पेटल्स नीचे बिखरे हुए होते हैं, बेड एकदम मतलब होती है ना नई नवेली दुल्हन की तरह बेड सजा होता है। हमारी सिमरन ने इतने प्यार से डेकोरेशन अपने हाथों से किया हुआ होता है, और उन ये सब देखती हैं बड़े प्यार और बड़े ध्यान से। और जो हल्की हल्की जो मध्यम लाइट आ रही होती है उससे देखती हैं कि सारा रूम में डेकोरेशन बलून्स और फूल के थ्रू की हुई होती हैं, और बड़ा अच्छा, एक बड़ा मतलब दिल खुश नज़ारा होता है, कि जिससे कि एक नॉर्मल सा इंसान तो भी मान ही जाएगा। बट हमारी अनंतिका, देखते हैं मानती है या नहीं मानती है। वो थोड़ा सा उनको अच्छा तो लगता है, मगर फिर भी वो ढीठ बन के खड़ी होती हैं सिमरन के सामने, और कोई रिएक्शन नहीं देती हैं। तो हमारी सिमरन भी बड़ी ढीठ टाइप की लड़की है, मतलब महिला है, जो महिला है नहीं यार, लड़की है,
महिला नहीं है, तो वो रिएक्शन निकलवाने के उसमें वो जाके कहती है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज। तो कहती कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है। हाँ, एक तो मेरा फ़ोन गिरा दिया, अब पता नहीं मेरा फ़ोन का क्या हाल हुआ होगा, और अभी ये सब कर रहे हो, रहने दो, नहीं चाहिए मुझे ये सब चीज़ें, मैं जा रही हूँ। तो कहती है अरे अजी ऐसे कैसे है, उनका हाथ जाते वक्त पकड़ लेती है। इधर वो अनंतिका मुस्कुरा रही होती है। तो खैर, अब वो जो ड्रेस को कवर की होती हैं, वो होता है ना कि एक आता है जो कवर करके रखता है, जैसे उसको क्या बोलते हैं यार मुझे नहीं पता, बट कुछ तो होता है, उससे अपने पूरे ड्रेस को कवर की होती हैं। तो कहती हैं कि आज हम आपको मना के रहेंगे और देखते हैं कि आप मानते कैसे नहीं हैं। तो कहती हैं कि अच्छा, पहले खुद गुस्सा दिलाओ और फिर मनाने के चक्कर में कुछ भी ऊट पटांग सी हरकतें करो, और मुझे लगा कुछ सीरियस हो गया है, और जिस दिन सीरियस हो जाए सामने वाले कि तुम्हारे बातों पे भरोसा ही ना हो ऐसा। तो खैर, थोड़ा सा बुरा लगता है हमारी सिमरन को, फिर वो उस बात को इग्नोर करके कहती हैं कि अच्छा, तो कहीं जनाब थोड़ा इधर नज़र डाल के जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत खूबसूरत सी चीज़ मिस कर जाएं। तो कहती हैं कि अच्छा ऐसा, तो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा। तो कहती हैं कि एक बार देखो तो सही। तो वो जब अपने जो जिससे कवर की रहती हैं, जिस क्लोथ से, उस क्लोथ को हटाती हैं, और इधर हमारी अनंत का टर्न होती हैं, और जैसे ही सिमरन को देखती हैं, हाय, आंखें ठहर सी जाती हैं, क्योंकि हमेशा उन्होंने जो हमारी सिमरन होती है उनको ट्रेडिशनल वे में देखा होता है, क्योंकि वो बहुत संस्कारी टाइप की लड़की होती हैं, कुर्ती जीन्स ऐसे चीज़ें पहनी होती हैं, बट कभी भी उन्होंने ना, कभी होता ना कि फैंसी ड्रेस नहीं पहना होता है, तो वो ऐसा कुछ होता है कि वो गाउन होता है, और वो गाउन जो होता है ना काफ़ी लॉन्ग गाउन होता है, लाइट ग्रीन जो होता है ना, डार्क लाइट ग्रीन होता है, और ऐसे मतलब वो नीचे से जो होता है ना, नीचे से थाई से वो कटा हुआ होता है, तो उनका पूरा जो लेग है एक्सपोज हो रहा होता है, वो दिख रहा होता है, ऊपर से बैकलेस होता है, और वो पूरा अपने बालों को ना आगे करके वन साइड से मतलब एक तरफ से करके रखी हुई होती हैं, हाथों में एक पतला सा ब्रेसलेट और एक हाथ में एक उनकी पहनाई हुई रिंग, और गले में एकदम पतला सा जो होता है नेकलेस पहनी हुई होती हैं, कानों में इयररिंग्स, और बालों को एकदम सेट करके रखा हुआ था, होठों पे डार्क लिपस्टिक स्वीट्स का होता है, वो होता है ना डार्क नहीं कह सकते, लाइट कहेंगे या डार्क ही कहेंगे, लाइट लाइट कह सकते हैं, जो ब्लड रेड लिपस्टिक होती है वैसा वाला लिपस्टिक लगाई होती है, आँखों में काजल, मतलब होता ना कि फुल ऑन पैकेज धमाका होती हैं। तो जब हमारी अनंतिका को ऐसे सिमरन, अनंतिका सिमरन को ऐसे देखती हैं, कहती हैं कि यार माशाल्लाह, तो ऐसे जब उनके मुंह से जब ये वर्ड निकलता है, तो हमारी अनंतिका, हमारी सिमरन समझ जाती है कि अनंतिका अब धीरे धीरे मेल्ट होने लगी हैं, तो उनका हाथ पकड़ती हैं, और जो जैकेट पहनी हुई होती हैं वो धीरे धीरे अपने करीब लाती हैं, और उस जैकेट का जो कॉलर होता है उसको पकड़ के और खुद पलट जाती हैं, और धीरे धीरे हमारी जो अनंतिका होती हैं उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। देन
जब वो बेड साइड पहुंचती हैं तो तेन उनको धक्का देती हैं और उनको बेड पर बैठा देती हैं। फिर म्यूजिक प्लेयर ऑन करती हैं तो वहाँ पे ये गाना स्टार्ट होता है कि तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं जुदा कोई ना कर पाए। तो जो मैंने स्टार्ट में जो गाना गाया उसका यही मतलब था भाई साहब। उस लेवल तक पहुंचा देती हैं कि हमारी अनंतिका जो होती हैं वो खुद पे और अपनी आंखों की कंट्रोल खोने लगती हैं और कहती हैं कि फाड़ में जाए गुस्सा और इतने प्यार से मना रही है तब तो मान ही जाना चाहिए। और फिर वो वहाँ से उठती हैं, अपना जैकेट निकालती हैं और बेड पे फेंक देती हैं और उनके करीब जाती हैं, बिल्कुल करीब खड़ा हो जाती हैं। तो वहाँ पे वो म्यूजिक प्लेयर के साथ ही गाना स्टार्ट होता है, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। ठीक है, तो ये गाना स्टार्ट होता है और इस गाने पे दोनों साथ में डांस करते हैं और फिर देन हमारी जो अनंतिका होती हैं वो थोड़ा और रोमांटिक मूड उनका हो जाता है और देन उनके कंधों से उनका हाथ उनके कमर तक पहुंचता है और उनके कमर पे हाथ धीरे धीरे उनके टमी पे बढ़ने लगता है और उनको एकदम अपनी क्लोज एकदम क्लोज जिससे कि वो अपनी गहरी सांसें उनके शोल्डर पे छोड़ रही होती हैं जो हमारे सिमरन को बाकायदा महसूस हो रहा होता है। तो अनंतिका को बोलने अनंत आप तो कहती हैं कि बस कुछ नहीं अब कुछ मत बोलना प्लीज़। तो कहती हैं कि ठीक है कुछ नहीं बोल रही। तो उनको अपने गोद में उठा लेती हैं और इतने प्यार से उठाती हैं जैसे फूल हो जो बाहों में भरा हुआ हो, ले जाके उनके साइड पे लेटाती हैं और साइड पे लेटाते ही सीधे वो उनके ऊपर आ जाती हैं और उनको बेतहाशा जो प्यार इतने दिनों में सिमटा हुआ होता है ये इतनी दूरी जो होती है वो फिर वो दूरी वो लम्हे एक एक करके वो खुद को और हमारे शमरन को महसूस कराने लगती हैं कि उन दोनों में कोई आ नहीं सकता या किसी के लिए कोई जगह नहीं है। और हमारी शमरन भी उस मोहब्बत के सैलाब में बहने लगती हैं और वो भी खुद पे कंट्रोल धीरे 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 बस खोती चली जाती हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे इनका प्यार का जो खुमार होता है वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही इन दोनों के शरीर से जो उनके कपड़े होते हैं वो रिमूव होते चले जाते हैं और हमारे जो अंतिका होती हैं वो इतना मतलब चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए होती हैं और इतने दिनों के बाद उनको सिमरन के पास आके जो सुकून और जो प्यार फील होता है जो लम्हे फील होते हैं वो उनको फील कराने की कोशिश करने लगती हैं, उनको उनका फोरहेड किस करती हैं फिर देन नोज किस करती हैं फिर चीक्स फिर दूसरा चीक्स देन उनके लिप्स और जो लिप्स पे आती हैं वो अटक ही जाती हैं वो लिप्स पे आते ही और बेहद ही संजीदगी से एक दूसरे को बहुत डीपली किस करने के बाद
फिर धीरे 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 वो नेक की तरफ आती हैं, नेक पे कस करती हैं, और इतना संजीदगी के साथ कस करती हैं कि वो निशान छोड़ती चली जाती हैं, वो अपने प्यार का एहसास कराती चली जाती हैं। और धीरे धीरे इन दोनों के शरीर से जो कपड़े होते हैं रिमूव होते चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा और नीचे, फिर थोड़ा और नीचे, फिर थोड़ा और नीचे, ऐसे कह करके वो हर वो लम्हे को, हर वो हिस्से को इतना प्यार करती हैं हमारी अनंत का कि सिमरन तो खो ही जाती हैं। इन दोनों का प्यार मुकम्मल होता है और फिर प्यार कंप्लीट होने के बाद एक दूसरे को खुश करने के बाद, या यूँ कह लें कि जो प्यार का जो सैलाब उमड़ा होता है दोनों के दिल में, दोनों के जहन में, उस प्यार, उस तूफान को शांत करने के बाद एक दूसरे को इतनी मोहब्बत एहसास कराने के बाद कि वो एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, और जो हमारी सिमरन होती हैं वो तो यूँ कह लें कि थकी जाती है मगर अनंत का नहीं थकती है, बट उनको महसूस होता है कि सिमरन थक गई हैं। तो वो उनके प्यार को मुकाम देने के बाद वो जो कंबल होता है रूम में उससे एक दोनों को कवर करते हुए, और अब वो सिमरन के ऊपर से हट के साइड में लेटती हैं और उनको अपने बाहों में भर लेती हैं। और उनको बाहों में भरने के बाद हमारी सिमरन बोलती हैं कि अनंत, तो कहती हूँ, तो कहती हैं आई लव यू, तो कहते हैं आई लव यू टू मेरी जान, तो प्लीज़ आप गुस्सा मत हुआ करो ना। तो फिर से सडन से हमारी अनंतिका का आँख खुल जाता है और कहती है कि सिमरन प्लीज़ अब जो हो गया बात ख़त्म हो गई है, मैं मान गई हूँ, अब प्लीज़ वो सब रिमाइंड मत कराओ। और तो कहती है ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उनकी आंखें बंद होती हैं, फिर बोलते हैं कि अनंत, तो कहती हैं कि हाँ, तो मुझे भूख लगी है, तो कहती क्या, तो कहते हैं हाँ, तो तुमने मतलब, वो कहती हैं कि तो आपने खाना नहीं खाया था, तो कहती हैं कि नहीं मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ खाऊंगी, तो मम्मी पापा कहाँ हैं, तो कहते हैं कि वो शादी में गए, शादी अटेंड करके आएंगे, उनकी किसी फ्रेंड की शादी थी उसी पार्टी में गए हैं। तो कहते हैं अच्छा, तभी इतना सब कुछ करा, ओके बट अच्छा था। उनके कहते हैं अच्छा तुम रुको, खाना किचन में ही है ना, कहती हैं कि हाँ, तो कहते हैं कि तुम्हें रुको मैं नीचे से खाना लेके आती हूँ। तो वो कपड़े पहनती हैं और जाती हैं, तो अपने शर्ट के बटन्स वो ठीक से नहीं लगा पाती क्योंकि अंधेरा होता है, फिर लाइट वो तभी ऑन नहीं करती हैं, वो फिर जाती हैं। और अभी तो उनका फ़ोन पता नहीं कहाँ रहता है, जो उनको पता, वो सिमरन का फ़ोन लेती हैं, फिर देन किचन में जाती हैं, फ्रिज खोलती हैं, डिनर निकालती हैं और फिर देन ऊपर लेके जाती हैं। और फिर जो होता है शर्ट वो फिर से जाती हैं तो उतारती हैं और फिर फेंक देती हैं, तो कहती हैं कि आपने शर्ट पहले तो क्यों निकाल दिया, तो कहती हैं कि मेरा मन, तो हो सकता है कि मुझे और भी कुछ करने का, तो कहती नहीं प्लीज़ मैं थक गई हूँ, तो कहती अच्छा ठीक है चलो खाना खा लो। और वो लाइट ऑन करती हैं, वो उस पर एक हल्का सा टी शर्ट डालती हैं और जो कि हमारी सिमरन का होता है, और वो एक दूसरे को खाना खिलाते हैं बड़े प्यार से। और फिर वो जो खाने का ट्रे होता है फिर साइड में रखते हैं
हमारी अनंतिका थोड़ी नॉटी हो रही होती है, लेकिन प्लीज़ ना, अब नहीं प्लीज़। तो हमारी सिमरन कई बार प्लीज़ प्लीज़ करती हैं, कहती हैं कि ओके ठीक है चलो। तो वो एक दूसरे को एक बहुत प्यारा सा किस करते हैं और फिर देन सो जाते हैं। इन दोनों का प्यार एक दूसरे पे ऐसा उमड़ा होता है कि एक सैलाब हो, और वो प्यार उनको ऐसे ही नींद देती है कि सीधे उनकी सुबह में ही आंखें खुलती हैं। ऐसा होता है कि उनकी जो मॉम होती हैं और उनके जो डैड होते हैं, वो नीचे का दरवाज़ा खुला हुआ होता है, तो कहते हैं कि क्या इसने रात में दरवाज़ा नहीं बंद किया। इन दोनों ने अपने प्यार के कहानी में ऐसे गुम हुए होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके मॉम डैड कब घर पे आ जाते हैं। और फिर दन उनके ऊपर रूम में भी कब आ जाते हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता। तो दोनों आते हैं, देखते हैं कि इनके रूम में इतना सारा डेकोरेशन, और फिर जब उनके पिताजी और उनके मॉम का ध्यान उनके बेड साइड जाता है, तो उनके पिताजी तो वहाँ से चले जाते हैं। उनकी मॉम कहती हैं कि सिमरन, तो सिमरन अचानक आवाज़ सुन के, क्योंकि ना वो उन्होंने नीचे का दरवाज़ा लगाया होता है, ना ही अपने रूम का, क्योंकि अनंतका नीचे खाना रहने गई होती है रात में, तो रूम का जो जो दरवाज़ा होता है नहीं लगाई होती हैं। और इस वजह से उनके मॉम डैड उनके रूम में दाखिल हो जाते हैं और उनकी मॉम उन पर चिल्लाती हैं सिमरन। तो अचानक मॉम की आवाज़ सुन के सिमरन बड़े प्यार से आँखें खोलती हैं और कहती हैं गुड मॉर्निंग मॉम। बट थोड़े देर में उनको ध्यान आता है कि रात में, तो कहती कि मॉम आप यहाँ पे, आप कैसे मैं वो, तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। तो आगे जानने के लिए आपको स्टोरी के साथ बने रहना पड़ेगा, और बने रहने के लिए आपको स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो चलिए सुनते रहिएगा। और हाँ, स्टोरी कैसा लगा आपको, मज़ा आया या नहीं आया ये एपिसोड सुन के, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चलिए बाय, टेक केयर।